मोबाइल ई पेपर ने ज़करिया स्ट्रीट क्रॉसिंग में क्विज कंपटीशन और गुरु सम्मान अवार्ड का अहतमाम किया, जहां मुख्तलिफ स्कूल के तुलबा ने हिस्सा लिया। सियोमो गर्ल्स हेडमिस्ट्रेस और सैफी डे स्कूल की टीचर समीना खान को अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सूबों के शख्सियत यानी के सियासतदान, बिजनेसमैन, सामाजिक कारकुन, 43 वार्ड की काउंसलर सगुप्ता परवीन, 43 वार्ड की साबिक काउंसलर सीता इंदौरिया, साबिक काउंसलर अखलाक अहमद, आसनसोल के साबिक डीआईजी आईपीएस जाहिदुर रहमान, कलकत्ता फ्रूट मार्चेंट एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद मुमताज, अफजल फाउंडेशन के सदर इरफान अली ताज, डिप्टी सेल टैक्स कमिश्नर इजा आलम, नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी, सामाजिक कारकुन मोहम्मद अकरम, 43 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर आफाक अहमद, 43 ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मोबिन, सिल्वर सीजन के डायरेक्टर सैयद कफीन और 43 वार्ड के कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मोहम्मद इब्राहिम इस प्रोग्राम में शामिल होकर कामयाब किए। के इस प्रोग्राम के रूए रवा मेरे छोटे भाई सुलेमान पाशा और तमाम अराकीन इनके साथ जो है, मैं उन्हें तहदिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये बात बिला ताखीर मैं कहता हूं कि सुलेमान पाशा वाकई मुबारकबाद का मुस्तहिक है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम जो मैं करता हूं या देखता हूं, ये एक बंद ऑडिटोरियम में होता है, लेकिन आज ज़करिया स्ट्रीट में ये प्रोग्राम करके सलमान पाशा ने एक ओपन एयर में एक मैसेज देना चाहा कि हमारे और आपके आने वाले फ्यूचर नस्लों की जिम्मेदारी हमें कैसे उठानी है। सबसे पहले अपने वार्ड के सभी भाइयों को सलाम करती हूँ। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है, और तालीम के बारे में क्विज कॉम्पिटिशन है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के दौर में सभी माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को अपना अच्छे से अच्छे तालीम दिलाएं। इसी के इलिम हासिल करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। इलिम ऐसा चीज़ है, वो कभी एक बार हासिल हो गया कभी कोई छीन नहीं सकता है, कभी कितना भी खर्च करो ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, रुपया खर्च कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, स्कूल ले जा रहे हैं, दुकान छोड़ कर जाना कर रहे हैं, फिर लाने वापस जा रहे हैं। तो बच्चों को भी ऐसे कहूँगी कि माँ बाप ख्याल करें, रुपया उनके पर खर्च हो रहा है, अच्छा से तालीम करें, देश में नाम रोशन करें, मोहल्ला का नाम रोशन करें और स्कूल कॉलेज का नाम रोशन करें। और सबसे बड़ी तालीम के यह है कि स्कूल या कॉलेज की डिग्री हासिल करके अपने आप घमंड नहीं करें कि मैंने फला कॉलेज से पढ़ ली हूँ। अगर तालीम हमारे बच्चे के अंदर हमारे अंदर है तो सबको इत्तेहाद बढ़ते हैं, मोहब्बत बढ़ते हैं। जो हमारे कौम के बच्चे, महिला के बच्चे कमज़ोर हैं, उनको सलाह दें, मशवरा दें, कुछ भी कमी है उनको बताएं, आगे इसके लाएं। मैं वार्ड 43 की काउंसलर सगुप्ता परवीन हूँ। एक कम ये सब प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम खूब दरकार আছে, যেখানে মানে এটা বলা যায় কি আমাদের যেখানে মুসলিম এলাকা আছে, যেখানে ওখানে একটা এডুকেশন হই থাকে,
কিন্তু এটা আপনাকে দেখতে হবে কত ভালো করে লোকরা পার্টিসিপেট করছে যখন উনি কুইজ করছেন অনেক ছোট থেকে যারা রাস্তায় বসে আছে বা যারা ঘরে বসে আছে ওরাও পুরো ইন্টারেস্ট নিচ্ছে তো সেটা নিয়ে আমার মনে হচ্ছে খুব ভালো প্রোগ্রাম আছে সবাইকে নিয়ে এই সব প্রোগ্রাম আরো দরকার আমাদের খুব ভালো এই বাবা নিজে এলাকা 10 বছর আমি এখানে কাউন্সিলর ছিলাম তাহলে খুব ভালো লাগছে এরকম ফিরে হচ্ছে নিজের বাড়িটা আবার ফিরে গেছে খুব ভালো লাগছে আর এ প্রোগ্রাম রিলেটেড আছে এডুকেশন শিক্ষা নিয়ে রিলেটেড আছে সেই জন্য আরও বেশি ভালো লাগছে যেহেতু আমি একটা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট আমার নাম মোহাম্মদ আকরাম আমি এডুকেশনের উপরে অনেক কাজ করছি আর চেষ্টা করছি যে এডুকেশন সবার কাছে যাক সবার কাছে পৌঁছাক আমাদের যতগুলো বাচ্চা থেকে নিয়ে বড় লোক সবই শিক্ষা পাক আর শিক্ষা না পেলে মানুষ ইনকমপ্লিট ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کا سب سے بڑے مومن تھے اور ہم لوگ امتی ہیں ہم ہی لوگ تعلیم کے لیے پیچھے ہو جائیں تو پھر کیا حالت ہے دنیا کو ہم کو پیدا کیا گیا ہے دنیا کو ہم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ مسلمان قوموں میں یہ فطرت اللہ نے میسج کیا ہے یہ تمام پہلے والی بات تو ہے نہیں اب ان دنوں پورے ہندوستان میں ہر ماں اور بہنوں کے اندر یہ شور پیدا ہو گیا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں وہ خود بھی پڑھ رہی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہی ہیں تعلیم کا معاشرہ جو ہے ہمارے اندر بہت خاص کر ہندوستان میں اور مغربی بنگال میں تو بہت زیادہ ہے مغربی بنگال میں تعلیم کے مسئلہ میں بہت زیادہ ہے بہت مطلب یہ ہے لوگ ایکٹیو ہیں ہمارے یہاں بہت تعلیم اچھا ہے مغربی بنگال میں اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جہاں تعلیم میں کمی رہ جا رہی ہے اس کو ہم لوگ ایک پروگرام کے تحت محنت کریں اور ان تمام فیملی کے پاس جائیں جہاں بچے اسکول نہیں جا رہے ان بچوں کو ہم لوگ اسکول لے جائیں اس اسکول تک پہنچائیں اور گورنمنٹ جو ہیلپ کر رہی ہے گورنمنٹ ان کی مدد کرے ہمارے بچے آگے بڑھیں گے ہمارے بچے کامیاب تعلیم میں فاؤنڈیشن کی طرف سے پہلے ہی جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں کسی قسم کی پریشانی اب جل فاؤنڈیشن کی اور سے کتنے لوگوں کو آج تک مطلب کی سہایتا کیا گیا یا اس جل فاؤنڈیشن کی طرف سے روز لوگ آتے ہیں کسی کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کی علاج کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کا اور بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگ سے جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم لوگ کوئی چندہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کی ایک ٹیم ہے ہم لوگ ایک آرگنائزیشن ہے اس میں قریب 500 سے زیادہ لوگ ہیں یہ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں ذمہ داری لینا چاہتے ہیں ان لوگ کی سے وہ ذمہ داری آ گئے ہیں اور ہم لوگ کا یہی کام ہے سلمان پاشا مبارکباد سے مستحق ہے کہ انہوں نے اچھا پروگرام ایجوکیشن کے اوپر رکھا اور ٹیچر ہفتے کے متعلق ساری باتیں ہوئی استاد کا بدل نہیں ہو سکتا ہے استاد ٹیچر ایک لفظ بھی اگر سمجھاتا ہے کوئی ایک نئی بات بھی بتاتا ہے تو اس کے لیے آدمی زندگی بھر کھڑا رہے اس کے پاس پھر بھی اس کا بدل نہیں دے سکتا یہی عوام کو ہم پیغام بھیجا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ بھیا صرف تعلیم حاصل کرنے سے نہیں ہوگا تربیت بھی حاصل کیا جائے
तरबियत उसको शेड्यूल में लाता है, इंसानियत लाता है, यही पैगाम है। थैंक यू। आपका नाम क्या? मोहम्मद मुमताज। और आप क्या? हम वाइस प्रेसिडेंट हैं कलकत्ता फूड मर्चेंट। देखिए सलमान पाशा इंडिविजुअली मतलब अपनी तहरीक से बाकी कुछ लोगों के ताबुन से ये एजुकेशन पर काम किया। वैसे तो और भी ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, उसी की एक छोटी सी कड़ी है और इसकी हम लोग सराहना करते हैं। और हम सबों के बंगाल में कलकत्ता में रहने वाले लोगों को हम लोगों की सबसे पहली तरजीह पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि बंगाल में शिक्षित लोग एजुकेटेड 100% पूरा करने की हम लोग कोशिश करें। पूरे मगरबी बंगाल में चाहे वो कोई भी जुबान के बोलने वाले हों, किसी भी जुबान से हो, उर्दू हो, हिंदी हो, बंगला हो, सबों को मिलकर बंगाल को हम लोग मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके बंगाल को 100% 100% शिक्षित करना है, एजुकेटेड करना है, यही कोशिश हमारी होनी चाहिए और हमारा यही मैसेज है। मोबाइल पेपर के प्रोग्राम हो रहा है, एजुकेशन ये एक ऐसा दर्द है बहुत सम्मान वाला प्यार और बहुत अच्छा कदम है हमारे बीच के हमारे माहौल में ऐसा हमारे छोटे भाई है मोबाइल पेपर में और मामू साहब है लाइफ है और भी सभी बड़े हस्ती मौजूद थे। बहुत अच्छा स्टेप लगा मुझे ये और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा कदम आप लोग बढ़ाए और हम लोग इसमें शामिल हो समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से? एजुकेशन एजुकेशन के मामले में मैं समाज को ये देना चाहता हूँ अपने जाने से आपको बताओ इल्म दीजिए बिना इल्म इंसान कुछ नहीं है जो मुकद्दर में वो आपको मिलेगा लेकिन अगर मुकद्दर से भी बढ़ जाए हमें मुझे देना बच्चों को देना और इस समाज में अगर आपको जगह आपको पता है और काफी साल पहले की तरफ बुलंदर को छूना है तो बिना इल्म के बच्चों को पढ़ाने का होगा बिना इल्म की जिंदगी मैं नहीं समझता उसकी जिंदगी है। तो मैं ये बात कहता हूँ खासतौर पर अगर आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं कपड़ा छीन जाएगा पैसा छीन जाएगा सब कुछ छीन जाएगा पर वो एडुकेशन छीनता नहीं है। और अगर आप एडुकेशन में राइज करते हो तो आपके जाने के बाद भी आप अगर राइटर बनते हो तो आपका एडुकेशन दूसरे के काम आता रहता है। आदमी पीपल कीप ऑन रीडिंग बुक ठीक है तो एजुकेशन इज मस्ट फॉर एवरी पर्सन एवरी पीपल और एजुकेशन से ही आप राइज कर सकते हो। एक डिसिप्लिन एक ह्यूमनिटी रहती है इंसान में और एक अच्छा जेंटल पर्सन उठता है। और एजुकेशन कोई पैसा से इनपुट नहीं होता वो नेचुरली बचपन से ही इनबिल्ट हो जाता है। जैसे आजकल हर चीज़ इनबिल्ट हो रहा है कंप्यूटर में मोबाइल में तो एजुकेशन इनबिल्ट होता है ऑटोमेटिकली बच्चों में एवरीथिंग में हर फैमिली को इनबिल्ट मिलता है। और एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि दैट विल मेक यू परफॉर्म द वर्ल्ड इन बेटर वे आप दुनिया को बदल सकते।